वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग लाइफ विद स्नेहा। और आप सब कैसे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं बिल्कुल सही, बिल्कुल मस्त हूँ। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी एक हेयर स्टाइल वीडियो। हेयर स्टाइल भी इसको बोल सकते हो, या आप ये बोल सकते हो कि हेयर स्टाइल बनाने के लिए अगर आपको उस तरीके का हेयर स्टाइल करना है क्रिएट, और आपके पास कर्लर नहीं है, मैं अगर अपने बाल को कर्ल करूँगी, और अगर आपके पास कर्लर नहीं है तो आप किस तरीके से अपने बाल को कर्ल कर सकते हो, तो मैं प्रॉपरली एकदम सुपर सस्ता टिकाऊ उपाय बताऊँगी आप लोगों को, जिससे आप लोग अपने बाल को कर्ल कर सकते हो। लाइक मैंने अभी जस्ट मेरे वॉश किया है अपने हेयर को, और आज ही मैंने वॉश किया और आप देख सकते हो हल्का हल्का मेरा सॉफ्ट कर्ल है मेरा हेयर ऑलरेडी। बट मुझे थोड़ा और कर्ल चाहिए, बिकॉज मुझे एक मेकअप लुक क्रिएट करना है जिसके लिए मुझे थोड़ा सा कर्ली हेयर चाहिए। तो मैं उसको कैसे कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि जब मैं कर रही हूँ तो मैं आप लोग के साथ उसको शेयर भी कर दूँ। बाय द वे मेरा रिंग जो है वो बाथरूम में छूट गया, तो मैं उसको लेकर आती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आप अपने बाल में पार्टीशन कर लें और उसको अच्छे से सुलझा लें। आपका बाल जब तक सुलझा नहीं रहेगा ना गाइस, आपका बाल का होने वाला नहीं है कुछ। तो सबसे पहले अपने बाल में पार्टीशन करके बाल को सही से सुलझा ले। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे बाल को मैंने सुलझा लिया है, और अब थोड़ा थोड़ा बाल लेते हुए थोड़ा थोड़ा बाल लेते हुए हम लोग को पहले इस बाल को भिगा लेना है, और अच्छे से इसको भिगा ले। आप देख सकते हो एकदम प्रॉपर ये भीगा है, और फिर हम लोग को इसमें चोटी बनाना है। और चोटी जो है वो आपका एकदम टाइट चोटी बनना चाहिए, बिल्कुल भी ढीला चोटी नहीं रखना है आप लोगों को। ये आप देख सकते हो ऐसे मैंने टाइट चोटी बनाया है। देख सकते हो आप लोग एकदम टाइट चोटी बनाते जाना हम लोग को। अब ये देख सकते हो इस तरीके से हम लोग को चोटी एकदम टाइट चोटी बना लेना है। और रबर बैंड अगर आपका है तो आप रबर बैंड की हेल्प से सिक्योर कर लो, और अगर आपके पास रबर बैंड नहीं है तो आप कोई भी बेबी क्लिप या बेबी पिन से उसको सिक्योर कर सकते हो। ऐसे घुमाते हुए आप लोग को सिक्योर करना है, ये देख रहे हो, और ये हो गया। तो मेरा कर्लर थोड़ा ख़राब हो गया था, इस वजह से मुझे इस तरीके से जुगाड़ फिट करना पड़ रहा है। अगर आपका भी कर्लर ख़राब हो गया हो या आपके पास कर्लर ना हो तो आप भी इस तरीके से जुगाड़ फिट कर सकते हो और बना सकते हो। तो चलिए मैं सबसे पहले सारे बना लेती हूँ, उसका फिर आपसे मिलती हूँ। Thank you.
देख सकते हो मेरे सारे तरफ की चोटी बन गई है। आप इस तरीके से आप लोग भी बना करके, और भीगा हुआ ही ये रहना चाहिए, और इसको हम लोगों को 1 से 2 घंटे के लिए भिगा कर सूखने देना है। इस तरीके से भिगा कर 1 से 2 घंटे के लिए हम लोग को इसको सूखने देना है, और फिर जब हम लोग खोलेंगे ना तो ये बहुत अच्छा कर्ल निकलेगा। अभी जब मैं खुलेगा तो मैं आपको दिखलाऊंगी। अभी मैं 1 से 2 घंटे ऐसे ही घूमने वाली हूँ मेरे घर में, और आज संडे का दिन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घर में ही तो कहीं तो जाना ना आना। तो चलिए मैं आपको रिजल्ट इसका देख के बताऊँगी थोड़ी देर में, और फिलहाल अभी संडे है तो इस वजह से संडे को मम्मी को ज़्यादा ही काम दे देती हैं। तो भी बहुत सारे कपड़े मम्मी छत पर से लेकर आई हैं तो उसको अरेंज कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर तब तक थोड़ा बहुत काम मेरे जो है, मेरा कुछ स्टडी का काम रखा हुआ है वो सारा करना है, और थोड़ा बहुत मुझे अरेंजमेंट वगैरह करना है। मैंने मेरा सेल्फ वगैरह, कल एक सेल्फ सर्जरी आया था, आज मुझे कुछ सेल्फ सर्जरी आने हैं, तो सब भी मैं करूँगी साथ ही साथ, इसके साथ ही करते चली जाऊँगी। और फिर देखती हूँ आज कुछ अच्छा रेसिपी होगा बनाने का, कुछ मम्मी अगर बताएंगी कि कुछ बनाना है तो फिर मैं उसका रेसिपी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए अभी पहले कर लेते हैं फटाफट से काम और इसको। सो गाइज, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आई डी है स्नेहा सिन्हा 2212, मेरा इंस्टाग्राम आई डी है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी प्लीज़ 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 फॉलो करें। और चलिए अभी पहले फटाफट से कुछ कुछ काम बाकी है वो कर लेते हैं। अभी देख लो आज खाली कपड़ा धुलाया हमारे यहाँ पे, जितना भी मतलब 2-3 दिन से हमारा मशीन थोड़ा सा ना गड़बड़ हो गया था तो उस कपड़े धुला नहीं पा रहा था, तो आज मैंने देखा क्या प्रॉब्लम आया है, और उसके बाद फिर तो अभी देखा मैंने कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है हमारे मशीन को, तो फिर पता चला कि ये प्रॉब्लम है, उसके बाद फिर वो सारी चीज़ें हुई। अब जाके कपड़ा धुला है, मतलब मॉर्निंग से ही धुलना शुरू है 11 बजे से, तो और अभी कुछ कपड़े धुला करके आ गए वापस सूख साख कर, तो उसको भी अरेंज कर लेते हैं। आप लोग मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना, स्नेहा सिन्हा 2212, SNEHA SINHA SINHA 2212 मेरा इंस्टाग्राम आई डी है। तो चलिए कर लेते हैं थोड़ी काम, लाइट्स यहाँ के ऑफ कर दूँ। थोड़ा सा प्लान में चेंजेस आ गया है, अभी सबको अंडा तो ऑमलेट नहीं भुर्जी खाना है, तो यहाँ पे भुर्जी बन रहा है, और भुर्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ऑयल गरम कर लिया है कढ़ाई में। इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा जीरा, जीरा हम लोग का जब तक चटक रहा है। यहाँ पे मैंने कटिंग किया हुआ है प्याज का और हरी मिर्च का, ये इसमें डाल दूँगी, थोड़ा जीरा चटकने देती हूँ। उसके बाद अगर आपके पास बंधा वगैरह है या आपके पास कैरेट है, हर जो जो सब्ज़ी आप इसमें डाल सकते हो, तो मेरे पास अभी प्याज वगैरह ही था, और मेरे यहाँ प्याज में सबको ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगी मैं गार्लिक हब, डल गया भाई, तो इसमें मैं ऐड करूंगी गार्लिक हब, और ये डालने के बाद बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा इसका। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर अगर आपको तीखा जमता है तो, थोड़ा सा जिंजर पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर,
मसाला डाला, जो लास्ट मसाला डाला वो डाला है क्या बोलते हैं, जीरा और काली मिर्च पाउडर मिक्स है। तो इसको थोड़े देर हम लोग को पका लेना है। आप चाहो तो इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करो या खड़ा लहसुन भी ऐड कर सकते हो। मैं इसमें पेस्ट ऐड करूँगी लहसुन का, क्योंकि अभी खड़ा मैंने लहसुन कट नहीं किया है। उसको मसाला थोड़ा पका लेते हैं, उसका फिर लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। तो लहसुन का पेस्ट इसमें चला गया है, आप चाहो तो कट करके भी लहसुन डाल सकते हो। अब देखते हो एकदम बहुत ड्राई हम लोग को इसका मसाला रेडी करना है। तो एक एक करके अब हम लोग एक फोरेंगे इसके अंदर। ड्राई होते चला जाएगा। तो आपने देखा धीरे धीरे इस तरीके से ड्राई हो जाएगा और जो आपका एग भुर्जी है वो एकदम रेडी है खाने के लिए। आप इसको चाहो तो पराठे के साथ, रोटी के साथ, पूड़ी के साथ खा सकते हो और ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो ये देखो इस तरीके से रेडी है। सो गाइस, आज का मैं ब्लॉग यहीं पे करती हूँ एंड। जो कल होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आप लोग को दिखलाऊंगी, बिकॉज अभी मैं अगर दिखलाऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। और मैं फटाफट से इसको अपलोड कर देती हूँ और फिर आप लोग मेरे वीडियो में बने रहे ताकि आप लोग को रिजल्ट पता चल सके कि कैसा है। ये तो थोड़ा सस्पेंस रहने दिया जाए इस वीडियो में तो मज़ा आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इस मेरा कर्ल देखने का कुछ अलग ही मतलब एक्साइटमेंट हो जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे फिट, स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी, बी सेफ। और मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, बेल आइकन ज़रूर हिट करना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो चलो मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं जो नेक्स्ट वीडियो है मैं अभी जस्ट ही स्टार्ट कर दूँगी, तुरंत ही स्टार्ट कर दूँगी ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी देरी ना लगे मेरा ये जो हेयर का रिज़ल्ट है वो देखने में, तो वो कैसा कर्ल हुआ है। तो चलो बाय।